हेलो डियर स्टूडेंट आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सल्यूशन विलियन का लेक्चर नंबर टू फर्स्ट लेक्चर में हमने विलियन क्या है सल्यूशंस क्या है उसके टाइप्स उसके प्रकार पर डिस्कस किया और एन की एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.1 एंड 2.2 को को हमने समझा उन पर डिस्कस किया और आज हम इस वीडियो में विलियन की सान्दरता को व्यक्त करना एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस पर डिस्कस करेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा हमें विलियन की सान्दरता व्यक्त करने की विधियां मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे उनमें से वॉल्यूम रिलेटेड कौन है मास रिलेटेड कौन है टेम्परेचर डिपेंडेड कौन है टेम्परेचर इनडिपेंडेड कौन है अब उन मेथड्स में से आज जो हम डिस्कस करेंगे केवल द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू पर हम डिस्कस करेंगे उस पर न्यूमेरिकल करेंगे एक न्यूमेरिकल हमारा इंटेक्स क्वेश्चन से लिया है एक न्यूमेरिकल हमने एक्सरसाइज से लिया है और न्यूमेरिकल्स हमने अदर से लिए तो चलिए शुरू करते हैं हम के विलियन की सान्दरता को व्यक्त करना ये टॉपिक अपना आज शुरू करते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और हमारे साथ साथ नोट करते हुए चलिए कॉपी पेन ले लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित सोल्यूट की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है तो फ्रेंड विलियन की सांद्रता क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किसे कहते हैं तो आपने जाना कि विलियन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है तो आपने यहां से विलियन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझा कि विलियन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा विलियन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है चलिए तो किसी विलियन का संगठन किसी सॉल्यूशन का कंपोजिशन उसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन से व्यक्त किया जा सकता है तो फ्रेंड हम किसी भी विलियन का संगठन को व्यक्त करना चाह रहे हैं एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हम किसी विलियन का संगठन किसी सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन उसकी सांद्रता उसकी कंसंट्रेशन से व्यक्त कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उसकी उसकी सांद्रता से व्यक्त कर सकते हैं अब देखिए सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन को गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली या मात्रात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली व्यक्त किया जा सकता है तो आपने जाना कि किसी विलियन का किसी विलियन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है और हम सांद्रता को गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली रूप से व्यक्त कर सकते हैं क्लियर अब यह बात भी समझते चलिए जैसे हम बात करें भाई गुणात्मक रूप से तो हम कह सकते हैं कि विलियन तनु है सल्यूशन डाइल्यूट है या सांद्र है या कॉन्सेंट्रेट है अब बात यह आती है कि सर विलियन तनु से क्या मतलब है डायल्यूट से क्या मतलब है तो इसे ऐसे याद रखिए कि विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा तनु विलियन के लिए और सांद्र विलियन के लिए ऐसे याद रखिए कि विलय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा तो विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा विलियन तनु है और विलय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा तो विलियन सांद्र है कॉन्सेंट्रेट है परंतु वास्तविकता में इस तरह का वर्णन बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करता है तो फिर हमें क्या करना होगा तो हमें विलियन का मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता होती है तो हमें विलियन की क्वांटिटेविली क्वांटिटेटिवली रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो फ्रेंड तो मात्रात्मक रूप से हम कौन कौन से मेथड्स को लेंगे कौन कौन से मेथड को हम अपनाएंगे और किन किन मेथड्स के द्वारा हम हम जो है विलियन की सान्दरता को व्यक्त कर सकते हैं जो कि हमने नीचे लिखे हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि भाई मात्रात्मक रूप से हम विलियन का सान्दरता का वर्णन करते हैं और गुणात्मक रूप से जो होता है विलियन की सान्दरता में बहुत ज्यादा भ्रम हो जाता कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाते हैं तो विलियन की सान्दरता को प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी हैं चलिए अब उन्हें समझते हैं देखिए विलियन की सान्दरता प्रदर्शित करने की विधियां मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूशन हमने इसको दो दो कैटेगरीज में क्या करा है डिवाइड करा है एक वॉल्यूम रिलेटेड और ये है मास रिलेटेड अब जो वॉल्यूम रिलेटेड है आयतन संबंधित हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब ताप निर्भर है कहने का मतलब यह है कि वॉल्यूम पर आयतन पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाता है आयतन बढ़ जाता है टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है अब जो मास रिलेटेड है द्रव्यमान संबंधित है वो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है टेम्परेचर का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता टेम्परेचर इंक्रीज हो टेम्परेचर बढ़े या डिक्रीज हो टेम्परेचर घटे तो मास रिलेटेड जो भी आप मेथड्स पढ़ोगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं होना जैसे आप जानते हैं कि भाई आयतन तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है घटाने से घट जाता है तो मास जो है द्रव्यमान जो है आपका टेम्परेचर बढ़े तो इतना रहना है टेम्परेचर घटे तो इतना रहना है ये वो तो नॉन इफेक्टेड रहेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपको याद रखना है कि जो मेथड्स हमारे वॉल्यूम रिलेटेड होंगे तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और जो मास रिलेटेड होंगे वो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होंगे जैसे भाई यहां, यहां देखिए वॉल्यूम रिलेटेड वाले आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज वी अपॉन वी परसेंटेज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी परसेंटेज और ये देखिए आपका है मोलरता मोलैरिटी और लास्ट है नॉर्मलता नॉर्मैलिटी क्लियर अब देखिए मास रिलेटेड द्रव्यमान संबंधित कौन से हैं द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज डब्लू अपॉन डब्लू परसेंटेज मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन मोललता मोलैलिटी यह है मोलरता मोलैरिटी यह है मोललता मोलिटी क्लियर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पीपी पीपीबी पर बिलियन तो फ्रेंड हम इन पर बिल्कुल डिटेल में डिटेल में डिटेल में डिटेल में डिस्कस करेंगे मगर आज मगर जो आज हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज पर क्लियर इतना आपके समझ में आया अब देखिए दो प्यारे से क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पर लिखे हैं जो आपके जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड है जैसे मोललता मोलैलिटी ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती जबकि मोलरता मोलैरिटी होती है क्यों आंसर दे देंगे आप अरे मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती जबकि मोलरता होती है तो आप याद रखना आयतन पर ताप का प्रभाव होता है जबकि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती और मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है क्योंकि ये जो मोललता है मास रिलेटेड है और मोलरता है ये वॉल्यूम रिलेटेड है आयतन संबंधित है अभी आपने ऊपर पढ़ा दूसरा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है किसी विलियन की मोलरता मोलैरिटी ताप के साथ कैसे परिवर्तित होती है मतलब ताप के साथ कैसे परिवर्तित होती है तो आप ये बात याद रखो मोलरता जो होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलरता बढ़ेगी आयतन घटेगा मोलरता बढ़ेगी आयतन घटेगा मोलरता घटेगी आयतन बढ़ेगा क्योंकि मोलरता और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाति है टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन बढ़ता है तो मोलरता घटेगी टेम्परेचर घटाने से आयतन घटता है तो मोलरता बढ़ेगी क्लियर समझ में आएगी ये वाली तो चलिए अब चलते हैं आगे देखिए द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज विलय सोल्यूट पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो उसे भार अपोन भार या भार बटे भार या भार बाई भार प्रतिशत परसेंटेज या द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं तो आपने डेफिनेशन को जाना कि विले पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज कहते हैं अब जो फॉर्मूला आपको अपने न्यूमेरिकल में यूज करना है वो है आप कहिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इन टू हंड्रेड आप यहां पर लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान ग्राम में विलियन का द्रव्यमान ग्राम में क्लियर इतनी बात समझ में आई चलिए तो डियर स्टूडेंट बड़ी प्यारी प्यारी दो बातें मैंने यहां पर लिखी हैं जरा उन पर आप ध्यान कर लीजिए और अपने माइंड में उन्हें स्टोर कर लीजिए थोड़ा जगह दीजिए अपने दिमाग में किसी विलियन के दस परसेंट टेन परसेंट द्रव्यमान प्रतिशत का क्या अर्थ है हमें लिखा विलियन के हंड्रेड ग्राम में 100 ग्राम में टेन ग्राम विलय घुला है और तथा नब्बे ग्राम नाइन्टी ग्राम विलायक है आप देखिए इस बात को आप इसे ऐसे भी याद कर लेना कैसे याद कर लेना देखिए ये है फ्रेंड आपका टेन अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये तो आपका है सोल्यूट बोले तो विलय अब देखिए आपका सोल्यूट कितना हो गया आपका सोल्यूट हो गया टेन ग्राम क्लियर अब देखिए जो यहां पर विलियन है परसेंटेज है तो जो सल्यूशन होगा वो कितना होगा आपका हंड्रेड ग्राम तो आप एक बात याद रखते हैं जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सोलेंट अब देखिए सोल्यूशन कितना है आपका हंड्रेड ग्राम सोल्यूट आपका दस ग्राम और आपको बताना है सोलवेंट आप जब इसे इधर लेकर आओगे मतलब सोलवेंट इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस टेन तो कितना आ जाएगा बोलिए आपका आ जाएगा नाइन्टी ग्राम तो इस बात को आप ऐसे भी आप रख सकते हैं जैसे आपको टेन परसेंट दे दिया चलिए मैं आपसे ट्वेंटी परसेंट का पूछ लू बताइए ट्वेंटी परसेंट में विलय विलायक विलियन कितने कितने होंगे बता दीजिए एटीन परसेंटेज में अरे आप कितनी भी परसेंटेज ले लीजिए आपको ये ज्ञात करना है आपको हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे विले कहते हैं सोल्यूट कहते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम सोलवेंट कहते हैं तो यहां पर जो सोलवेंट है 90 ग्राम है और सोल्यूट कितना है आपका 10 ग्राम क्लियर तो चले आ गए अब देखिए सेकंड पॉइंट जल में टेन परसेंट ग्लूकोज का द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है भाई जल में टेन परसेंट ग्लूकोज का द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है तो इसका मतलब भी वही है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलियन प्राप्त होगा जैसे अभी हमने तुम्हें बताया टेन ग्राम है तो इसमें जो टेन है वो कौन है ग्लूकोज है अब इसमें जो होगा वो कौन होगा आपका तो टेन ग्राम ग्लूकोज ग्लूकोज कौन है विले सोल्यूट अब नब्बे ग्राम कौन है जल जल कौन है विलाया तो 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलोगे तो 100 ग्राम आपको विलियन प्राप्त हो जाएगा तो फ्रेंड ये थी डेफिनेशन द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में या मास परसेंटेज के बारे में आइए अब इस पर करते हैं हम न्यूमेरिकल बहुत ही सीधे सच्चे न्यूमेरिकल हैं ना कोई इतनी लंबी चोड़ी इसमें कैलकुलेशन होनी है बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो वैल्यू दे रखी है उनको उसमें रखिए काटा पीटी करिए गुणा भाग करिए और आपका आंसर आपके सामने होगा देखिए 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुली है 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुली है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए मास परसेंटेज ज्ञात कीजिए अब देखिए 10 ग्राम सुक्रोज है ये क्या हुआ आपका सोल्यूट विले? अब 100 ग्राम जल में घुली है तो ये कौन हुआ आपका सोल वेंट। तो कितना विलियन बना भाई इन दोनों को आप ऐड कर दोगे विले प्लस विलायक बराबर विलियन तो कितना हो जाएगा 110 ग्राम क्लियर विलियन हो जाएगा अब देखिए हमने कैसे करा इसका सोल्यूशन देखिए इस सोल्यूशन का मतलब विलियन नहीं है कभी आप विलियन समझ रहे हो इसका मतलब हल अब देखिए का द्रव्यमान हंड्रेड ग्राम विलियन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान टेन विलायक का द्रव्यमान हंड्रेड ग्राम कितना हुआ वन हंड्रेड टेन ग्राम मतलब एक सौ दस ग्राम अब आपने फॉर्मूला लगाया द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इन टू हंड्रेड यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इन टू हंड्रेड क्लियर विलय थे आपके टेन विलियन था आपका 110 हंड्रेड एंड टेन टू यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए ऊपर आप भाग कर दीजिए सिंपल है ये तो आप कर सकते हैं इसका आपका आंसर आगा 9.09 परसेंट क्लियर बिल्कुल समझ में आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आप छोटी क्लास में नहीं है भैया आप इंटर क्लास में आ चुके हैं कोई पहली दूसरी क्लास में नहीं है जो आपको दिखाया जाए देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए पांच ग्राम यूरिया को पिचानवे ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया विलियन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा विलय पांच ग्राम यूरिया काय में आपने डिजोल्व किया पिचानवे ग्राम जल में तो ये कौन हुआ विलायक घोलकर क्या बना विलियन बनाया अब आपको विलियन में यूरिया का मतलब विले का द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज क्या होगी ये आपको बताना है। लिखिए। चलिए गिवन वैल्यू जो वैल्यूज आपको दी गई है पहले उनको लिखते हैं देखिए सल्यूशन यूरिया का द्रव्यमान पांच ग्राम सो सिंपल जल का द्रव्यमान पंचानवे ग्राम आपको दे रखा विलियन का द्रव्यमान बराबर यूरिया का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान मतलब विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम कितना हो जाएगा 100 ग्राम अब आपको किसका निकालनी है द्रव्यमान प्रतिशतता यूरिया की तो आप कैसे करेंगे इतनी बात समझ में आई चलिए आगे चलते हैं आपका फॉर्मूला होता है ये द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान इन टू हंड्रेड क्लियर अब यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर तो यूरिया का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इन टू हंड्रेड क्लियर अब देखिए यूरिया का द्रव्यमान कितना था फाइव फाइव था और विलियन का द्रव्यमान कितना आया हंड्रेड सो सिंपल कैलकुलेशन हंड्रेड हंड्रेड तो क्या बचा आपका फाइव परसेंट तो आपने जाना कि यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा फाइव परसेंट चलिए अब आ, आगे चलते हैं ये भी न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया होगा जी ये है आपका इंटेक्स क्वेश्चन पार्ट है निहित प्रश्न टू पॉइंट वन से देखिए यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सिक्स सी सिक्स एच सिक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है सी सी एल फोर तो क्या करना है बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता गणना करनी है कुल मिलाकर आपको विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता और विलायक की दोनों की निकालनी है तो 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो तो तो बेंजीन कौन हुई विलायक और 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो तो यह कौन हुआ विलय तो देखिए आप सलु। इसका सोल्यूशन देखिए हमने हल कैसे लिखा है उसे समझिए बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान 122 ग्राम विलियन का द्रव्यमान बराबर बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान 22 ग्राम और इसका 122 ग्राम कुल मिलाकर कितना आ गया 144 ग्राम तो विलियन का द्रव्यमान कितना आ गया One, four, four ग्राम। 144 ग्राम मतलब 144 ग्राम 144 तो आपको बताना है बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है कार्बन क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत वो भी आपको ज्ञात करनी है तो चलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इन टू हंड्रेड बैंजिन का द्रव्यमान कितना था आपका ट्वेंटी टू था विलियन का द्रव्यमान कितना था वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर था इन टू हंड्रेड कैलकुलेशन आप कर सकते हो सो so सिंपल है जिसे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ जाएगी 15.28 परसेंटेज क्लियर आगे चलते हैं अब देखिए हमें करना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड सीसीएल फोर का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर CCl4 फोर का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इन टू हंड्रेड CCL4 फोर का द्रव्यमान था 122. विलियन का द्रव्यमान आया आपका 144 सौ चौवालीस इन टू हंड्रेड कर दिया कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे छोटी क्लास में हो नहीं आप आप है ट्वेल्थ क्लास में हाई लेवल क्लास में करने के बाद CCL4 फोर का द्रव्यमान प्रतिशत जो आएगा 84.72 परसेंट क्लियर तो आपने बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत जो कि 15.28 परसेंट आया और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत 84.72 परसेंट आया क्लियर अब आपने क्या करा आप चाहे तो इस वाली बात को इस वाली बात को जो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत इस तरह से निकाली है तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कैसे सीसीएल फोर का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हंड्रेड माइनस बेंजीन सी सिक्स एस सिक्स का द्रव्यमान प्रतिशत हंड्रेड माइनस जो आपका द्रव्यमान प्रतिशतता बेंजीन की आई उसको यहां लिखिए फिफ्टीन पॉइंट टू एट तो कितना आ गया एट्टी फोर पॉइंट सेवन टू परसेंट अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता इस तरह से नहीं निकालना चाह रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है आप ऐसे ना करें आपको यहां पर गुणा भाग करनी पड़ेगी और यहां पर आप करिए हंड्रेड लिखिए और जो बेंजिन की आई उसमें कर दीजिए लेस तो कितना आ जाएगा आपका एट्टी फोर पॉइंट सेवन टू परसेंट क्लियर तो सो सिंपल तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.7 पर जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और जो आज हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा चलिए देख लीजिए इसकी भी दर्शन की, कीजिए यह है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.7 द्रव्यमान की दृष्टि से 25 परसेंट विलियन के 300 ग्राम एवं 40% परसेंट के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए आपने द्रव्यमान दृष्टि से 25% परसेंट विलियन के 300 ग्राम और 40% परसेंट के 400 ग्राम को आपस में मिलाने मिलाया उससे जो आपको मिश्रण प्राप्त हुआ तो आप उसका द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण आपको क्या करना है निकालना है तो चलिए सो सिंपल न्यूमेरिकल है डरने वाली कोई बात नहीं है टेंशन नहीं लेना है आप गुस्सा नहीं करना कि सर हमें कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहे मेरे भाई मैं आपको बिल्कुल तरीका बता रहा हूं किस तरह से करना है सो so, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और मैं इसलिए फ्रेंड लिख के लाता हूं कि ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं लिखने में टाइम वेस्ट ना हो मेरे भाई आप गुणा भाग छोटी मोटी तो कर सकते हैं ना ये तो आपको आनी चाहिए तो आप टेंशन ना लें आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप अच्छी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे अगर मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है तो चलिए जी तो कैसे करना है इसको हल इसका सोल्यूशन क्या है इसका हल क्या है देखिए 25 परसेंट विलियन के 300 ग्राम में विले की मात्रा तो हमें क्या करना होगा सो so सिंपल है 25 फाइव अपॉन हंड्रेड इन टू जीरो से जीरो कैंसिल 25 फाइव इन तो आप जानते हो 75 ग्राम अब आगे चलिए 40 परसेंट विलियन के 400 ग्राम में विले की मात्रा तो 40 अपॉन हंड्रेड होगा इन टू फोर जीरो से जीरो कैंसिल आप जानते हो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 160 ग्राम मतलब 160 ग्राम तो विले का कुल कुल द्रव्यमान अब विले का कुल द्रव्यमान टोटल मास ऑफ सोल्यूट तो कितना होगा 75 ग्राम आपका यहां से आया 160 ग्राम 160 ग्राम यहां से आया दोनों को आपने करा एड आपका आया 235 ग्राम मतलब 235 ग्राम इतनी बात समझ में आई अब देखिए मिश्रण का कुल द्रव्यमान कितना था भाई 300 ग्राम एक था 400 ग्राम एक था तो 300 प्लस 400 बराबर कितना हो गया 700 ग्राम तो विलियन का मतलब विले का कुल द्रव्यमान आपके पास आ गया 235 ग्राम और मिश्रण का कुल द्रव्यमान आपके पास आ गया 700 ग्राम क्लियर मतलब ये विलियन का कुल द्रव्यमानी तो है 700 ग्राम अब कैसे करना है आगे दे... तो देखिए आप कैसे करना है परिणामी विलियन में विले का द्रव्यमान प्रतिशत तो विले का कुल द्रव्यमान बटे विलियन का कुल द्रव्यमान इंटू हंड्रेड ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो यहां पर जो लिखा है हंड्रेड लिखा है वो तो आप जान गए होगे कितना न्यूमेरिकल कर लिया आपने पीछे कितनी बार आपने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए देखा और लिख भी रहे हो आप तो विले का कुल द्रव्यमान दो सो पैंतीस विलियन का कुल द्रव्यमान सात सौ और आपको हंड्रेड तो इंटू में करना है ये और ये कैंसिल 235 को आप सात से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 33.57 थ्री पॉइंट परसेंट तो, पर, तो परिणामी विलियन में विले का द्रव्यमान प्रतिशतता होगी 33.57 थ्री पॉइंट क्लियर अब देखिए आगे अब परिणामी विलियन में विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत है हंड्रेड, हंड्रेड, हंड्रेड माइनस विले का द्रव्यमान प्रतिशत तो विले का कितना है फ्रेंड 33.57 परसेंट जो भी आपने ऊपर से निकाला आपने इसको लेस किया घटाया तो आपका आंसर आया 66.43 परसेंट तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया आपका द्रव्यमान प्रतिशत और उसके न्यूमेरिकल को कुछ न्यूमेरिकल हमने अलग से लिए और दो न्यूमेरिकल हमने एक तो इंटेक्स क्वेश्चन लिया और एक आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन लेके सॉल्व किया और आपने हमारे साथ साथ इसको नोट किया होगा एक अच्छा सा फेयर बनाइए लास्ट वीडियो को भी आप नोट कीजिए तो फ्रेंड अब हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक और बेहतरीन डेफिनेशन के साथ बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी से, इसे इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके धन्यवाद बाय बाय